नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम जिस मैच के बारे में बात करने जा रहे हैं वही पाकिस्तान ए बस न्यूजीलैंड ए के बीच में होने वाला सेकंड अनऑफिशियल T20 मैच। तो सबसे पहले अगर पहले मैच के बारे में बात करें तो उसमें पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह से हरा दिया था और न्यूजीलैंड 65 रन जो कि पहले बैटिंग करी थी 65 रन पर ऑल आउट हो गई थी और पाकिस्तान ने 2 विकेट खोकर 66 यानी वो आसानी से मैच जीत गई थी। तो अगर दोनों टीमों के कंपैरिजन की बात करें कौन सी टीम स्ट्रॉन्गेस्ट है तो बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में न्यूजीलैंड ने बहुत ही बढ़िया, अगर कोरी एंडर से बात करें, जॉर्ज वॉकर बहुत ही बड़े बड़े नाम ले रखे हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें पाकिस्तान में है बॉलर्स का बोलबाला। तो इस मैच में अगर बात करें तो पाकिस्तान ज़्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं करेगी क्योंकि पहले मैच जीत चुकी थी तो ज़्यादा चेंज नहीं करेगी। न्यूजीलैंड की बात करें तो ये चेंज कर सकते, कौन सा प्लेयर बिठा सकते हैं बाहर मैं आपको वीडियो के अंदर ही बता दूंगा। वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना, बीच में स्किप करोगे तो होगा आपका नुकसान। और आपको एग्जैक्ट प्लेइंग 11 चाहिए तो आप लीग अड्डा ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लिख दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और रेफरल कोड डालोगे तो आपको 100 रुपीज़ उसमें मिल जाएंगे। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं पिच की, दो मैच होने वाला है, दुबई में मैच होने वाला है और सबसे इसमें एडवांटेजेस जो है वो है पाकिस्तान को एडवांटेज इसमें, क्योंकि पाकिस्तान का अगर बात करें तो सेकंड होम ग्राउंड कहा जाता है दुबई वाली पिच को, सेकंड होम ग्राउंड कहा जाता है पाकिस्तान की दुबई। तो इनको पिच के बारे में पता है, नॉलेज है कि पिच कैसे चेंज होगी, कैसे उसकी किस दिन कैसा रहेगा। तो पाकिस्तान को इस बारे में पता है। तो मैं सजेस्ट करूँ अगर आप अपनी खुद की टीम बनाना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान के ज़्यादा प्लेयर लेने की कोशिश करें। रेशो की बात करें, रेशो पाकिस्तान के ज़्यादा होने चाहिए, न्यूजीलैंड के थोड़े कम होने चाहिए। और इस मैच में न्यूजीलैंड चेंज करने की डेफिनेटली कोशिश करेगी। दुबई में जो मैच होने वाला उसमें पिछले मैच में स्पेसर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था और जो पाकिस्तान के जो उमैद आसिफ है उन्होंने 5 विकेट लिए थे पिछले मैच में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। कई बार ऐसा होता है कि मैच से पहले थोड़े टाइम पहले ही कोई इंजरिंग की न्यूज़ आ जाती है, तो अपडेट की न्यूज़ आती है तो मैं अपने चैनल के कम्युनिटी बार में लिख देता हूँ सब अपडेट, या फिर वीडियो के जो नीचे है कमेंट बार में उस पर कमेंट करके उसको पिन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रह जाए और आपको बस 1 मिनट लगने हैं, आप अपनी टीम चेंज कर लेना। बेल आइकन को दबाना ना बोले, बेल आइकन दबाओगे तो उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। अगर बात करें विकेट कीपर की, विकेट कीपर आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं, टॉम बंडल, टीम सैरफाट और मोहम्मद हसन। दोस्तों अगर बात करें तो टीम ने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, 26 हाईएस्ट रन बनाए थे इन न्यूजीलैंड की तरफ से और उसका कोई प्लेयर इतना खास नहीं चल पाया था। टॉम बंडल की बात करें तो इसमें न्यूजीलैंड को खिला नहीं सकती, आपको कारण बता देता हूँ कि ग्लेन फिफ जो कि ओपनिंग करते हैं वो भी विकेट कीपर है और विकेट कीपर चेंज करने के उसमें खिलाएंगे तो मेरे को नहीं लगता कि टॉम को मौका मिल सकता है इस मैच में। और टीम ने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, हाईएस्ट रन बनाए थे, 26 रन बनाए थे लेकिन कुछ तो रन बनाए थे, तो इनको टीम ड्रॉप आउट किस कारण करेगी ये मुश्किल है। मोहम्मद हसन की बात करें दोस्तों, मोहम्मद हसन अगर खेलते हुए आपको दिखाई देंगे 5वें नंबर पे और टीम से सैफर्ट आपको खेलते हुए दिखाई देंगे 6 नंबर पर, तो आपकी मर्ज़ी, आप दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने टीम को सिलेक्ट किया, आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, मोहम्मद हसन को ट्राई कर सकते हैं आप डेफिनेटली। अब बात करते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट की, तो बैटिंग में मैंने कोरी एंडर्स को सिलेक्ट किया, उमर अमीन। अगर कोरी एंडर्स की बात करें ये कैप्टन है न्यूजीलैंड ए के और उमर अमीन कैप्टन है पाकिस्तान ए के, तो मैं दोनों को सिलेक्ट किया। कोरी एंडर्स इनके अगर पहले मैच के बारे में बात करें 60 रन पर आउट हो गए थे और उमर अमीन 20 रन पर आउट हो गए थे। और इनकी अगर बैटिंग पोजीशन की बात करें, कोरी एंडर्स खेलते हुए दिखा देंगे आपको 4वें नंबर पर, उमर अमीन खेलते हुए दिखा देंगे आपको ओपनिंग यानी पहले नंबर पर। आसिफ अली की बात करें दोस्तों, आसिफ अली पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं और इनकी जो बैटिंग बहुत नीचे आती है, पहले मैच में 7वें नंबर पर खेलने आए थे। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ग्लेन फिलिप्स की, तो अगर ग्लेन फिलिप्स की बात करें तो ये आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे और पिछले मैच में उन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए थे। इसके बाद बात करते हैं इफ्तियार अहमद जो कि पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं और ये आपको 4वें नंबर पे खेलते हुए दिखाई देंगे और पिछले मैच में उन्होंने 26 रन बनाए थे, तो ये अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं तो आप इनको सिलेक्ट करते हो, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया। आसिफ अली थोड़े नीचे खेलने आती है इसलिए मैंने सेलेक्ट किया, 7वें नंबर पर इनकी बैटिंग आती है। और इसके बाद करते जॉर्ज वॉकर की बात करते तो ये ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे आपको ग्लेन फिलिप्स के साथ, पहले मैच में जल्दी आउट हो गया यानी 1 रन पे ये आउट हो गए थे। अब मार्क चैंपियन की बात करते तो मार्क चैंपियन आपको 3रे नंबर पे खेलते हुए दिखाई देंगे, पहले मैच में 3 रन बना के ही आउट हो गए थे। अगर बात करें साहिब जादा फरहान की दोस्तों,
शाहिद ज़ादा फरहान आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे उमर अमीन के साथ, जो कि कैप्टन है पाकिस्तान के, तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले मैच में जल्दी आउट हो गए थे एक ही रन पे, लेकिन इसमें चांसेस है कि इनको मौका मिल सकता है दोबारा। टॉम ब्रूस के बाद इतना परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा इनका, पाँच दिन बाद बैटिंग करने आते, पहले मैच में एक रन पर ही आउट हो गए थे। विल यंग को क्या पता इस मैच में मौका मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो जो पहले मैच में ना इनकी बैटिंग चली, ना इनकी बॉलिंग चली, ना इनके को ऑलराउंडर परफॉर्मेंस चला, तो तीनों डिपार्टमेंट में बिल्कुल फेल रही न्यूजीलैंड। तो विल यंग को इस मैच में मौका मिल सकता है। अगर बात करें किसके प्लेस पे, तो टॉम ब्रूस को क्या पता इस मैच में ड्रॉप आउट कर सकता है, विल यंग को मौका दिया जा सकता है न्यूजीलैंड की तरफ से। लेकिन मैंने दोनों में किसी को नहीं लिया, क्योंकि मैं एक सेफ्टी बना रहा हूँ हेड टू हेड और समोली के लिए, तो सेफ्टी चाहिए, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में दोनों में से किसी एक को। अगर दिखा दे तो कितने परसेंट लोगों ने इनको सिलेक्ट किया हुआ है, 6% लोगों ने टॉम ब्रूस को सिलेक्ट किया और विल यंग को सिलेक्ट किया ओनली 2% लोगों ने। तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रैंड लीग में, ट्राई कर सकते हैं इनको, विल यंग को कम चांसेस देगी ना, अगर खेल के तो आपके लिए अच्छा पॉइंट बना के देंगे। हुसैन तलत को लिया है मैंने ऑलराउंडर, और अगा सलमान को लिया है। आप सोच रहे हैं मैं न्यूजीलैंड की तरफ से किसी को मैंने क्यों नहीं लिया ऑलराउंडर के, आपको बता दूंगा, पहले आपको इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। हुसैन तलत की बात की जाए तो हुसैन तलत पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं और ये तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हैं। पहले ही आपने आपको बता दें कि तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हैं, इनकी बैटिंग आएगी आएगी, पहले मैच उन्होंने 16 रन भी बनाते हैं, ये अच्छी खासी बॉलिंग भी कर लेते हैं। उसके बाद मैंने लिए आगा सलमान को, आगा सलमान की बात करें छठे नंबर पर खेलते हैं लेकिन बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं, पहले मैच विकेट नहीं ले पाए लेकिन अच्छा परफॉर्मिंग कर रहता है। अब आते हैं टोड अस्टल, दोस्तों टोड अस्टल ये मैच आपको डेफिनेटली खेलते हुए दिखा देंगे, लेकिन इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा, कुछ खास नहीं, मैंने इनको सिलेक्ट नहीं किया। स्कोर अगर इसकी बात करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस के इस मैच में इनको ड्रॉप आउट कर सकते हैं। स्कोर को आपको दिखा देता हूँ कितने परसेंट लोगों ने इनको सिलेक्ट किया, 38% लोगों ने सिलेक्ट किया, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, लेकिन इस मैच में इनको ड्रॉप आउट कर सकते हैं जो जहाँ तक मेरे को लगता है। और यामी रमीन पाकिस्तान के ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं, रविंद्र जडेजा रचिन रविंद्र इस मैच में भी थोड़े चांसेस मिल सकते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से इनको, रचिन को इनकी इन प्लेस ऑफ स्कोर की जगह पे, या फिर टोड अस्टल, अगर टोड अस्टल को नहीं खिलाएंगे रचिन रविंद्र को मौका मिल सकता है। स्क्योर की जगह किसी खिला सकते हैं आपको बता देता हूँ, बॉलिंग डिपार्टमेंट में आ जाइए आप, लोकी फर्गूसन को मौका मिल सकता है इन प्लेस ऑफ स्कोर कुगलिन। अगर स्कोर कुगलिन की बात करें, पहले मैच में इनकी बैटिंग आई थी लेकिन इनकी बैटिंग बहुत नीचे आती है, 9th नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। और टोड अस्टल की बात करें दोस्तों, टोड अस्टल आते हैं 8th नंबर पर बैटिंग करने, तो इन्होंने पहले मैच 6 रन बनाए और टोड अस्टल ने बनाए 2 रन, तो इसे मैंने इनको सिलेक्ट नहीं किया है दोनों में किसी को। अब बात करें दोस्तों रजा हसन पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं। अगर पिछले मैच की बात करें, स्पिनर स्पिन बॉलिंग करते हैं, पिछले मैच उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया, क्योंकि जो पिच थी वो पेसर के लिए फ़ायदेमंद थी। उसके लोकी फर्गसन का बहुत ज़्यादा चांसेस इस मैच में इनको मौका मिल सकता है, क्योंकि ये पेसर है, फास्ट बॉलिंग करते हैं। पहले मैच में 75% लोगों ने सिलेक्ट किया, इस मैच में 10% लोगों ने सिलेक्ट किया, बहुत ज़्यादा इनके चांसेस है कि इस मैच में इनको मौका मिल सकता है इन प्लेस ऑफ स्कोर को कुगलिगन, या फिर इन प्लेस ऑफ मिल सकता है टोड अस्टल की जगह पर। उसके बाद उमैद आसिफ की बात हो तो इन्होंने 5 विकेट झटके हैं पहले मैच में, आप याद रखना, ये मैच डेफिनेटली खेलेंगे। आपको दिखा दो कितने परसेंट लोगों ने इनको सिलेक्ट किया है, पहले 32% लोगों ने सिलेक्ट किया, अब इनको ऑलमोस्ट 90% लोगों ने सिलेक्ट किया, कारण है एक मैच में उन्होंने 5 विकेट लेके दिखाए। सैन अफरीदी जो कि यंगस्टर है और एशिया कप में भी इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, तो इस मैच में आपको डेफिनेटली खेलते हुए दिखा देगा। पहले मैच में उन्होंने 2 विकेट भी झटके थे। केला जेमिसन की बात करें, केला जेमिसन ने पहले मैच में 1 विकेट लिया था और ये आपको 6th नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। अगर बात करते हैं ब्लेड टिकनर की, तो ब्लेक टिकनर आपको न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते लेकिन इनका पहले मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस, 0 रन पे आउट हो गए, विकेट भी इन्होंने कुछ खास नहीं लिया। अहमद भट्ट पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इनके चांसेस कम लग रहे हैं। बकास मकसूद पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं और पहले मैच में इन्होंने 2 विकेट लेते हैं, इस मैच में आपको डेफिनेटली खेलते हुए दिखा देंगे। अजाज पटेल न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं, तो अगर अजाज पटेल की बात करें स्पिनर, इस मैच में आपको डेफिनेटली खेलते हुए दिखा देंगे, क्या इस मैच में विकेट ले लें, क्योंकि जो पिच है वो दुबई की पिच है, वो कभी तो स्पिनर के लिए फ़ायदेमंद होती है, कभी पेसर्स के लिए, वो डिपेंड करता है, वो हमें पता चलेगा सिर्फ टॉस के टाइम पता चलेगा, जब टीम अनाउंसमेंट होगी कि किसको क्या होएगा, पिच की कंडीशन पता चलती है। अभी उससे कुछ टाइम पहले जैसे मैंने आपको बताया कि चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कमेंट बार में डाल देता हूँ, क्योंकि जब पिच की वो निरीक्षण करते हैं, पिच की जाँच करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो पता चलता है उस टाइम की किस किस को खिला सकते हैं, किस किस में खिलाते हैं, पिच स्पिनर के लिए फ़ायदेमंद है या फास्ट बॉलर के लिए फ़ायदेमंद है, तो मैं कमेंट बार में आपको लिख दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप चैनल सब्सक्राइब करना अभी कर दो, बेल आइकन को दबा दो। अब बात कर दो तो कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो
कैप्टन मैंने सिलेक्ट किया है कोरी एंडरसन को और वाइस कैप्टन सेलेक्ट किया उमर अमीन को। कारण आपको बताया क्योंकि कैप्टन ये भी कैप्टन है न्यूजीलैंड के और ये कैप्टन है पाकिस्तान के। इसके अलावा लेना चाहता हूँ ग्लेन फिलिप्स को कर सकते हैं और इसमें से बात करें उमैद आसिफ को कर सकते हैं, शाहीन अफरीदी को कर सकते हैं। उमैद आसिफ बेस्ट है क्योंकि स्पिनर या फास्ट बॉलर के पिछले मैच परफॉर्मेंस अच्छा था, तो इनमें से किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर जो मैंने आपको बताया कि टीम सरफत या फिर इसकी जगह भी आप वो जो अभी खेलेंगे मोहम्मद हसन, उनको भी आप ले सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन है, क्या पता वो अच्छा परफॉर्म करके आपको दे दें। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मैच। थैंक यू सो मच।